तो मेरे दोस्त आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे। भयंकर वाली वो गर्मी थी ना भाई, वो कवर कर लिया हमने। मतलब अभी ना कल वेदर प्रेडिक्शन कर रहा है कि बारिश हो सकती है। तो हेलो इंडिया सुपरवाद, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये मक्खी मैं खा जाऊँगा, भूल जाऊँगा कि सावन मान चल रहा है। तो नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है हमारे जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। गाँव का नाम नहीं बोलूँगा फिलहाल अभी। एंड भाई आज जो गर्मी थी ना, मतलब अभी ना सार लग रहे हैं कि भाई अभी बारिश आ सकती है कल, पर आज नहीं। और जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉग खत्म कर रहा था। जी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ब्लॉग ना पेंडिंग होना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है यार। फिर एक दिन ब्लॉग नहीं आए ना, आपको पता है घर पे इतने सारे काम तो नहीं होते, पर फिर भी कभी कभी ना नेटवर्क दिक्कत हो जाती है। और भाई अभी का काम कुछ ऐसा है, मेरे को जाना है खेतों वाली साइड आम लेने के लिए, प्लस खेतों वाली साइड ना फर्टिलाइज़र भी डालना है। और हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन है ना, कम से कम 1.5 महीना हो चुका है उन्हें हमारे घर पे आए हुए। छुट्टियां पड़ी थी तब आए थे, आज उनका जाने का टाइम भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना राधा रानी से गाना सुन के उसे भेजेंगे अपने घर। तो ठीक है मैं दोस्त आज का दिन शुरू करते, लेके कान्हा जी का नाम जाओ कान्हा जी की। एंड भाई मामी जी के ऊपर ना पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, पूरी दोपहर लगा के ना सारे कपड़े धो दिए। मतलब कोई रेस्ट नहीं यार, दोपहर को भी कोई रेस्ट नहीं करता, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही है। फिलहाल अभी टाइम हो चुका है चाय वाला। ओए हाँ जी, हाँ अभी बस ये मामी जी बोल रहे हैं अगर मैंने नहीं कपड़े धोए तो फिर किसने धोने हैं, क्योंकि नानी जी को ना मशीन चलाना नहीं आती, फिर वो हाथ से धोना शुरू कर देंगे। और भाई चाय वाला टाइम भी हो चुका है, चाय किधर चली गई? और भाई आपको बताया ना पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, आज हमने बनाया है कस्ते, जो कि चाय के साथ खाने वाली मस्त ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। वैसे हम जब भी चाय बनेगी उसी टाइम खा लेंगे। बन गई है चाय, मेरी राधा रानी होगी तैयार। राधा जी आप जा रहे हो फिर अपने घर, कब आओगे आप? कब? दिवाली में। दिवाली या दीपावली? दीपावली। दीपावली। भाई इन्हें खतरनाक बच्चे हैं ना, इनका ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, एंटरटेनमेंट होता रहता है। तीन लोग तो हम ही हैं, मैं, लक्की, अंशु, और इसलिए इनका जाने का मन ही नहीं करता। और इसलिए इन्होंने अभी जा रहे हैं ना, आने का प्लान पहले बना लिया कि दीपावली पे वापस भी आना है। तो जल्दी से ना राधा रानी तैयार हो जाओ, एक हमें ना गाना प्लस डांस करके दिखाना है, ठीक है? तैयार हो? वो अपना जो पहनने हैं ना आभूषण पहनने हैं, जो हाथों को पहनती हैं, कानों को पहनती है, वो पहन के आओ, ठीक है? ये शुक्र है मामा आपने रोक ली, नहीं तो चाय के ऊपर ही चढ़ जाती है। लो भाई चाय भी तैयार हो चुकी है। वैसे बोलते हैं ना गर्मी, भयंकर गर्मी को ना एक गर्म चाय तोड़ती है, वही वाला फार्मूला हम भी यूज करे जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त आज का दिन शुरू करते हैं, लेके कान्हा जी का नाम जाओ कान्हा जी की। चलते हैं अभी खेतों वाली साइड, फर्टिलाइजर साथ में धान भी देखना है और आम भी लेके आना है खेतों वाली साइड से। और जे वाले भाई अपने कस्ते हैं जो हमने बनाए थे। भाई आपको बताया ना पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, क्यों चाय के साथ नहीं खाना? मेरे को तो खाने दे, खुद नहीं खाने है तो। अरे मेरे को तो खाने दे भाई। अभी ना मेरी बहन बोल रही है कि आज मैं जा रही हूँ ना, मुझे भी थोड़ी सी वीडियो बनाने दे, तो देखते हैं ये क्या बोलती है। आपको समझ तो नहीं आएगी पर थोड़ी बहुत आ जाएगी। काका जी लो हिंदी में बोलना है, ठीक है? थोड़ा दूर नहीं आती है। दूर बस इधर, इतनी दूर हिंदी में नहीं आती है। चल बोल कोई भी भाषा बोल, और बोलो कुछ है पागल बच्चों। हेलो इंडिया, कैसे हम सब? बढ़िया। इसे रहने दे, तू मैं पकड़ता हूँ, तू बोल सिर्फ। हेलो इंडिया, कैसे हम सब? बहुत बढ़िया। और हम घर जाने वाले हैं, हमें पैसे बहुत मिलेंगे। अंकल भैया भी हमें पैसे मिलेंगे, सारे हमको पैसे मिलेंगे। और हमें दिवाली में होगा, और हमें पटाखे बहुत मिलेंगे। बस निकल गए जीभ बिहाइंड द कैमरा, चप्पर चप्पर करते रहते हैं। अभी कैमरा सामने है ना, आवाज भी नहीं निकल रही मुंह से, अब वो करती रहा अभी। अभी ना घर तो जा रहे हैं, इन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके ना सभी से कम 500-500 रुपया इकट्ठा कर दिया। दीपू तेरे पास कितने हुए भाई? चश्मा दे दे यार, उस टाइम तो मैंने मजाक में दिया था। दिखा वाले कितने पैसे हुए, और दिखा तो सही भरावा, दिखा तो सही। अरे चश्मा पहले खोल दिया कि डर ऐसे अंकुश छीन ना ले। और तेरे पास कितने पैसे हैं? राधिका के पास ना 300 रुपया है, वो उसी में खुश है कि उसके बाद 2 नोट है। दीपू के पास एक 500 वाला नोट है ना, वो उसी में खुश है कि उसके बाद 2 नोट है, 100 वाला है, एक 200 वाला है। हाँ क्या चलो जाते जाते एक बार डांस करके दिखा दे मामी, बोलो इसे एक बार। मेरे
भाई उधर छोड़ी चूड़ी पाई पाई नची ओ इन्ना इन्ना नचरी मेरे छाम दीरादा किन्ना छेड़े उठे लाल लाल। बस बस काका बस करो बस करो बस करो बस बस भाई ये लंबा भजन है खत्म ही नहीं होगा और ये डांस करती रहेगी। चलो भाई अभी उसे पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे लेने हैं? 100 रुपया। ठीक है भाई मासी दिख रहा है ना दो दो बैग उठा के लेके जा रही है। चलो दे रहा हूँ बाय बाय करो पहले जल्दी वापिस आना ठीक है दीपावली पे दे रहा हूँ। भाई अभी भी थोड़े थोड़े वापिस आ रहे हैं मामा से पैसे लेने के लिए। कितने ये तंबाकू में पैसे तू भी दे रही 200 वाला वापिस दे जा रही है 100 रुपया ले लेना ठीक है। भाई जैसे वो बच्चा पार्टी घर से गई है ना ऐसा लग रहा है रोने की खत्म हो चुकी है। और भाई आपको पता है ना घर आने के बाद ना मैं खाली नहीं बैठ सकता मेरे को अपने जो भी फूल पौधे मैंने लगाए हैं ना बगीचा वो सारे साफ करने होते हैं क्योंकि उनके पास ना इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है यहाँ पे जो मरा हुआ पौधा है ना वो भी जिंदा हो जाता है इन दिनों में पर बार बार घर आना पड़ता है क्योंकि प्यास लगती है ना इन दिनों में तो पानी अपने साथ ही कैरी कर रहा हूँ कि घर आने का बहाना ना मिले। ठीक है भाई बहुत सारे छोटू मोटू काम है फिर हमने खेतों वाली साइड भी जाना है। हाँ क्यों फर्टिलाइजर डालने नहीं आना नीचे वाले खेत में? नहीं नीचे वाले खेत ओ भाई फर्टिलाइजर शाम को नहीं डाला जाता क्योंकि शाम को ना बारिश आने के चांस होते हैं मेरे ख्याल से कल जाना पड़ेगा और कल तो बारिश है। हाँ जी लकी बोला है शाम को नहीं डालना। चलो ठीक है सुबह जाएंगे। और जे देखो भाई जिन्हें भी फूल है ना इनके बीच ना मैं छोटी छोटी ना मतलब जो जिनकी टहनियाँ तोड़ के ना फूल लगाए जाते हैं ना वो मैं लगा के चला गया था और बारिश हुई है ना देखो हर जगह नए वाले फूल निकले हुए हैं पर ऑलरेडी यहाँ पे ना गुलाब के फूल मैंने लगाए हुए हैं सारे और भी 3-4 वैरायटी के निकले हुए हैं। अभी इसे ना साफ़ करना है बिल्कुल इधर भी साफ़ करना है उधर बगीचा भी साफ़ करना है और जब एक बारिश होगी ना मतलब जितना भी आलू बुखारे हैं ना इनकी टहनियाँ तोड़ के ना आगे पीछे लगा देनी है क्योंकि इन दिनों में ना जैसे मैंने बोला मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाता है। चलो फिर कार्य शुरू करते हैं एंड खेतों वाली साइड जाना था वो सुबह ही जा पाऊंगा अभी। और भाई जो मैं श्री वृंदावन से प्रसाद लेके आया था ना हमने मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा दिया जितना हमें खुद बचा ना इतना हमने मोहल्ले में दिया और भाई सभी ने ना उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी है ना जो पेड़े थे ना भाई मैंने आपको बोला था ना 250 वाले भी हैं 350 वाले भी हैं 500 वाले भी हैं फ़र्क ये है कि भाई जो 250 वाले हैं ना उनमें चीनी 50-50 रहती होगी जो 350 वाले हैं उनमें थोड़ा 75% एंड 25% वाला किस्सा रहता होगा। और सभी ने बड़ी तारीफ़ करी अंकुश भाई शामली ने तारीफ़ करी अभी मेरी एक नानी जी हैं उन्होंने भी तारीफ़ करी कि कितना अच्छा टेस्टी प्रसाद था भाई इवन कि मैंने ना वाइट वाले खाए थे मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। कभी भी जाओगे ना तो यहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है ना वहाँ पे प्रसाद लेना क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा मिलता है शायद आगे पीछे भी अच्छा मिलता हो क्योंकि मैंने तो वहीं से लिया है ना। और 250 वाला मत लेना क्योंकि उसमें ना मिलावट रहती है चीनी ज़्यादा रहती है ऐसे। ओ माय गॉड इधर तो गाने चल रहे हैं। और भाई अभी मैं ना वो ग्लव्स लेने के लिए आया हूँ मैं तो भूल ही गया। और ये देखो भाई अपने घर पे ना करेले इस टाइम कितने बड़े बड़े हो चुके हैं करेले तो सारे लेके भी चले गए घर वाले अभी भी लगे हुए हैं फिलहाल। इन दिनों में ना टाइम पे बारिश नहीं हो रही तो मतलब अगर ज़्यादा धूप लगती है ना यहीं पे ना मुरझा सा जाता है। ओहो ये किसका कुत्ता है इसे भी ठंडी जगह मिली है बैठने के लिए। और भाई अपना रात देखो यहाँ पे ना अनार को फिर से नए वाले फूल लग रहे हैं जो पहले लगे थे ना लास्ट टाइम कम से कम 10 फूल लगे थे ऐसे वाले सारे मतलब गिर गए अभी फिर से लगे हुए हैं शायद मुझे लग रहा है ना 12 महीने फलने वाला पौधा होगा पर अभी तक एक भी अनार देखने को मिला ही नहीं है। और बाकी वाले पौधों का मैं आपको हाल दिखाता हूँ एक जे वाला लगाया था ना एक जे वाला पौधा है भाई जे भी लग चुका है और ये अपनी रात की रानी चमेली का पौधा है इसके ऊपर ना अरे तू खाए जा रहा है इसके ऊपर ना फूल लगे हुए हैं काफ़ी खुशबू वाले अभी इसे ना वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाया है ना तो इसलिए वो फूल ना सारे जुड़ गए बड़े अच्छी खुशबू आ रही है सच्ची।
अगर कम से कम 10 फूल भी लगते हैं ना, खुशबू आती है चारों तरफ जिधर भी हवा चलती है। और ये भी पौधा फिलहाल बच चुका है। अरे पीछे हो ना। और कम से कम आपको बताया ना, मैंने 10 पौधे लगाए थे, उनमें से ना 5 पौधे बचे हुए हैं। 2 इधर हैं, एक अनार का है, एक अमरूद का है, एक ये अंगूर का है। देखो कितनी बड़ी बड़ी घास चढ़ी हुई है। एक बार ना बकरियों ने खा दिया एंड फिर से इसकी नई पोंगर निकल रही है, नई पत्तियाँ निकल रही है, दिख रहा है ना ये देखो भाई। और अपना इलीची वाला लीची वाला पौधा भी मर चुका है, इलायची वाला नहीं लीची वाला। और आम का पौधा बचा हुआ है। और जो कटार लगाया था ना, आपको बताया 2 बार लगाया मैंने, दोनों बार मर गया हो। शायद उसके नीचे ना पत्थर होंगे ज़्यादा, या फिर मामा हमने गलत मौसम में लगाया ना। वो इन दिनों में जब बारिश होती है ना, इन दिनों में लगाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ना उसकी नई पत्तियाँ निकलती है। एक बार लग गया ना फिर मरता नहीं है। इस वाले पेड़ के पीछे भी लगाई हुई है, वो सामने दिख रहा है ना, वो वाला पेड़ जो कटवाया था पहले। और भाई अभी ना ये सारा सूख चुका है, जब भी हम इसे आग लगाएंगे ना ये जलना शुरू हो जाएगा उसी टाइम। बस अभी हम वेट कर रहे हैं सर्दियों का, उस टाइम इसे ना जला देंगे या किसी को बोलेंगे भाई इसे काट के ले जा, फ्री में दे रहे हैं तब भी कोई लेने के लिए राजी नहीं है। भाई अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है कि फ्रिज भी ना ठंडा पानी कर ही नहीं रहा। और आपको बताना हमारे घर इतनी बच्चा बाटी थी, खुद भी हम इतने लोग हैं, और फ्रिज में बॉटल रहती है 5-6, अगर एक एक बॉटल भी ख़त्म करते हैं ना सुबह तक, मतलब 3-3 बार 4-4 बार पानी लगाना पड़ता है, जो भी कुछ खाए चलो पानी पीने के लिए। और बच्चों को वैसे भी आदत होती है, एक बॉटल ले बाहर रखी, दूसरी बॉटल ही बाहर रखी। तो अभी काम करना तो मैंने शुरू कर दिया, पानी देखा ठंडा है ही नहीं है, तो अभी शामली के पास आना पड़ा ठंडा पानी लेने के लिए। इनके घर वैसे अभी नहीं रौनक नहीं है, मैं इसे 2 वाटर लगाते होंगे, शाम तक 2 ही रहती होगी। पर एक टाइम था जितनी रौनक हमारे घर है ना, इनके घर उससे भी ज़्यादा थी। अभी 3 बहनों की शादी, नहीं 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनें खुद हैं, एक जम्मू में है, हुई है, 3 की बड़ी हुई है। प्रियंका बहन नहीं है ना। ए प्रियंका वीडियो देख रही है ना, सुन रही है क्या बोल रही है, तुझे बहन मानती नहीं है। चलो मेरे दोस्त, जब तक लक्की ना ग्लव्स लेके आ रहा है, मैं ना अपनी लाइफ का ना वो ड्रीम बताता हूँ जो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के युवाओं के ड्रीम ना टूट चुके हैं। वो सारे क्यों टूटे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। मतलब आप ऐसा मान सकते हो 370 टूटने से पहले ना हमारे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन था जो कि आपको किसी भी जॉब के लिए वो ज़रूरी था। उसका नाम था 370 नहीं, उसका नाम था स्टेट सब्जेक्ट। अगर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हो फिर आपको पता होगा, उसके बिना ना आप कोई भी, मतलब आपके पास राशन कार्ड में आपका नाम है, वोटर आईडी कार्ड है, फिर भी आप जम्मू कश्मीर में कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं थे जब तक आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। और स्टेट सब्जेक्ट कैसे बनता है, उसके लिए आपके दादाओं परदादाओं ने ना, मतलब लकी बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, कम से कम 15 ऐसे डॉक्यूमेंट लगते हैं ना जिन्हें पूरा करने में ना बंदे की ज़िंदगी निकल जाती है। 1970 के जब भी वोटिंग हुई है ना हमारे देश में, वो सारी वोटिंग में ना आपके दादाओं परदादाओं ने वोट डाला होना चाहिए, कुछ ऐसा था भाई। अगर वोट नहीं डाला है ना तो भाई वो स्टेट सब्जेक्ट बनता ही नहीं था। एंड कितने ही हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे युवा होंगे जो पढ़ने में इतने होशियार होंगे, जिनके ड्रीम्स होंगे कि अपने देश की सेवा करें आर्मी में जाके, इवन कि हमारे मोहल्ले में ले लो, आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा ही नहीं पाया भाई। इवन कि लक्की अंशु भी अभी पढ़ रहे थे ना, इन्होंने भी मतलब बीच में, अंशु ने तो 12th के बाद छोड़ दिया था, पढ़ाई नहीं आगे, लक्की फिर भी ग्रेजुएशन पूरी करी। और हमारे मोहल्ले में मैं पहला बंदा था जिसने ग्रेजुएशन करी है, नहीं तो कोई 12th के आगे जाता ही नहीं था। 12th भी पास करने वाला मैं पहला बंदा था, इवन कि मैं मामा घर रहता हूँ। क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इन्हें पता है जॉब मिलनी नहीं है, क्योंकि इनका स्टेट सब्जेक्ट किसी का बन ही नहीं सकता था। दादा पर दादा लोग ना पढ़े लिखे नहीं थे, जो अपनी ज़मीन में नाम होते हैं ना वो सारे गलत थे, और वोट भी नहीं डाले होंगे, पता भी नहीं है स्टेट सब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो इसलिए ना वो सही गाइडेंस नहीं मिली पेरेंट्स से, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। फिर 370 टूटने के बाद जैसे कि मोदी जी ने तोड़ी, थैंक्स तह दिल से भाई, नहीं तो किसी में दम ही नहीं था वो तोड़ने में। आपने सुनी होगी कैसे कैसे बयान आते थे मुख्यमंत्री, जम्मू के मुख्यमंत्री है, मतलब जम्मू कश्मीर ये कर देंगे वो कर देंगे, बट हुआ कुछ नहीं है, कुछ ऐसा हाल था। तो थैंक्स 370 टूटने के बाद, मतलब सभी जो नए युवा है ना उनमें एक नई जोश आ गया कि हम भी देश की सेवा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। मतलब हमारा भी ड्रीम था हम भी आर्मी में जाएं, पर कैसे जाएं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था, कभी भर्ती देखी नहीं है। फिर उसके बाद जब वो टूटा है ना, फिर एक आस जगी कि हम भी भाई अपने जम्मू के लिए, अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो पर पुलिस की भर्ती नहीं आई उसके बाद। उसके बाद आपको बताया ना, पहले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा, 370 टूटी, 2 साल इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद कोविड आया लगातार, मतलब इतने में ईजी हो गई यार, मतलब वो ख़त्म ही हो गए सारे ड्रीम जो रहते हैं ना। एक तो हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये अलग से दर्द है भाई अपना,
मतलब जनरल वालों को कितना टाइम मिलता है, 21 साल मिलते हैं उसमें। दूसरी कैटेगरी वाले आपको पता ही होगा सारा यार, मुझे पता है आप सारे समझदार हो, मतलब एक जनरल होना भी आजकल अभिशाप है भाई बंदे के लिए। कुछ ऐसा ही है। तो कुछ आशाएं थी, कुछ जॉब मतलब सपने थे, वो सारे चोर चोरी हो गए। पुलिस की भर्ती नहीं आई, और मेरा ड्रीम था मुझे पुलिस की यूनिफॉर्म चाहिए, चाहे कोई छोटी मोटी एसपीओ की जॉब ही मिल जाए, पर कभी कैसे मिलती, कोई भर्ती नहीं आई। आती है बॉर्डर वालों के लिए या पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए जो रोड के आसपास है, इन्हें कुछ नहीं मिलता, क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मतलब क्या बताऊँ अभी। फिर मैं यूट्यूब शुरू करा, भगवान की दया से भटका, इतना सारा चल पड़ा अच्छा, नहीं तो क्या करता अभी तक। मतलब पुलिस की जॉब ही नहीं आई यार, और आप जाके आई है भाई। तो मेरा दोस्त अविना एक बार फिर से कांस्टेबल की भर्ती आई है, फिर से आंखों में नई रोशनी आई है। मतलब हम भी यूनिफॉर्म के लिए, पता नहीं पास होगा पेपर या नहीं होगा, पर एक खुशी है अंदर से कि हम भी वो भर्ती देख सकते हैं। एक तो भाई मतलब जनरल, मैंने जैसे बताया अलग से दुख है भाई, जनरल कैटागिरी में भाई कैटागिरी ना किसी दिन खा देगी यार, कितनों के सपने टूटते होंगे ना कैटागिरी वजह से। और पेरेंट्स ने भी पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस भगवान के आगे मतलब प्रार्थना करी होगी हमारे बच्चों को भी यूनिफॉर्म मिल जाए। जैसे मेरी मम्मी जी ने पता नहीं कितनी जगह प्रार्थना करी होगी, मामी ने भी कितनी जगह प्रार्थना करी होगी हमारे बच्चों को जॉब मिल जाए, पर वो 370 वो बोलते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, और बाहर अदर स्टेट वाले कैसे जाने की, वो 370 अभिशाप थी हमारे लिए भाई। वो तो फ़ायदा कश्मीर वालों का था, हमारा कुछ नहीं था मगर, हम तो टूट गए यार सारा। वो शुक्र है मोदी जी ने तोड़ी, और हमारे लिए भगवान ही है यार सच्ची। मतलब आने वाली पीढ़ियां कम से कम भर्ती देख सकती है, हमारी तो चलो कोई टेंशन नहीं है, उन्हें तो एक आस है ना कि हम देश की फोर्स में जाके सेवा कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारा ड्रीम ही रह गया बस, हाथ में वही दान ही किसानी रह गई ना, किसानी ढंग से कर सकते हैं, ज़्यादा तो ज़मीन जायदाद भी नहीं है ना, कुछ ऐसा ही है। तो भाई अभी वैकेंसी आई है, 4000 वैकेंसी है, मैं देख सकता हूँ, अंशु देख सकता है, लक्की देख सकती नहीं है, बस एक नई आस है आंखों में कि फिर से तैयारी करेंगे। पता नहीं होना या नहीं होना है, पर इतना है कि पहले दौड़ होगी ना, शरीर फिट हो जाएगा अपना। यही है भाई, यही कहानी थी 370 टूटने से पहले की। मूवी तो आपने देखी है, कई लोगों ने बोला होगा सारा झूठ है, बट यार जो जम्मू कश्मीर में रहता है ना उसे पता है कितने नौजवानों के सपने टूट गए होंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होगी, है ना। राजू भाई राधे राधे, ये आम कहाँ से लेके आया तू, ये किधर लेंदे अंब है, खेतों वाली साइड ले, वो भरा चनवंदा नहीं करनी है भाई, है चुटकी खानी है भाई, चुटकी खाने के लिए ना 10 रुपये मांग रहा है। सुन रुक जा भाई, कमेंट करके बताओ कि इससे 10 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इसकी ना रोज की आदत हो चुकी है। ओ प्रभाव चनवंदा मत कर, कल भाई आते ही ना इसे 40 रुपये दिए थे, उसका क्या करा, पैक मार दिया। ओ माय गॉड, कैमरे के सामने सीधा ही बोल देता भाई, अभी बोला पैक मार दिया, छोड़ी पैक क्यों पीता, शराब क्यों पीता, गर्मी में मर जाएगा फिर। नहीं नहीं 10 रुपये नहीं देने, बड़ा एक पीता है दारू भाई, दारू पीता है या सिगरेट, वो पीता है सॉरी सिगरेट नहीं पीता, आज क्या खाता है गुटके, नहीं नहीं गुटके खाने वालों को 10 रुपये नहीं भाई, क्या खाएगा फिर, चिप्स ये बड़ा चला के माँ कसम, कान पकड़ के बोल पहले क्या खाएगा, इवन की मेरे से 10 साल बड़ा है, सॉरी यार छोड़ दे कान, क्या खाएगा राजू, चिप्स पक्का, चल ठीक है देता हूँ भाई रुक जा, चल देता हूँ पक्का, गुटका नहीं खाएगा ना, बड़क मार दे पहले, गाना कौन सा चलू, लात कैसे मारनी है, बड़क मार जोर से मारनी है, ठीक है भाई अभी, हाँ जी 20 साल बड़ा है ये भगवान, 20 साल बड़ा है मेरे से कम 45 साल का मामी, ये 40+ है भाई ये राजू भाई अपना, पक्का से और नहीं पिएगा ना, गुटका नहीं खाएगा ना, चल ठीक है भाई राजू ने माफी मांग ली है, चलो 10 रुपये दे देता हूँ, वो कहानी छोड़ दे भरावा, वो छोड़ दे पक्का नहीं खाएगा ना, भरा 20 रुपये है, रुक तो सही दे रहा हूँ भरावा, रुक तो सही, 20 रुपये है, कब ग्लव्स का, और रुक रुक दे रहा हूँ मेरे पास छुट्टे है भाई, कितना चला गया इसे पता है, 10 की ना 4 आती है, 10 की कितनी आशकी आती है, 4 ले खाने इसने आशकी है भाई, बीस नहीं राजू 10 ले ले, और 10 ले ले ना, लकी कहाँ छोड़े पैसे, वो दे रहा हूँ एक मिनट रुक जा, 10 रुपये है, 10 रुपये ले, 10 रुपये ले ले, चिप्स खानी है ना तूने, और राजू मना कर यार, बड़ा बलशाली है यार, और रुक राजू
नहीं राजू 10 ले 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 नहीं 10 ले ना नहीं 30 भाई 10 रुपए ले ले नहीं सम बड़ा बलश ए 100 वाला है भरावा चल 20 ले ले छोड़ तो सही ले ले भाई से सारा पता है ले भरा 20 ले ले जा भरा माफ कर मेनू क्या खाएगा इसका चिप्स पता है इसने अगर 30 दे देता ना कहीं से ना 10 रुपए और अरेंज करके ना एक पौवा ले लेता छोटा वाला चलो भाई अगली बार नहीं देने 2 मिनट के लिए ना जब इसने कान पकड़े ना आपको भी थोड़ा तरस आया होगा दे देते हैं 10 रुपए चिप्स खाएगा दिखला असली रूप कैसा है इसका सब चला गया भाई